बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है शेखर सुमन। आज 7 दिसंबर को शेखर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वो पूरे 60 साल के हो गए हैं। पिछले 3 दशकों से शेखर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव है। उनके जलवे उस वक्त इस तरीके से हुआ करते थे कि सभी बॉलीवुड हसीनाएं शेखर के पीछे पागल हुआ करती थी, लेकिन आज भी उनका जलवा उसी तरीके से कायम है। लेकिन अगर बात उनकी डेब्यू फिल्म की करें तो आज भी उनकी इस फिल्म के खूब चर्चे होते हैं, और हो भी क्यों ना। आखिर पहली ही फिल्म में उन्हें बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के साथ रोमांस करने का मौका जो मिला था। साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म उत्सव में शेखर सुमन रेखा संग बोल्ड सीन्स देकर उनकी पहली ही फिल्म से चर्चा में आ गए थे। हालांकि शेखर सुमन के लिए ये सब करना आसान नहीं था। उन्हें रेखा संग बोल्ड सीन्स करने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। इस बात का खुलासा खुद शेखर सुमन अपने कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए शेखर ने बताया था कि मुझे रेखा जी के पास में जाकर बैठना था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मैंने अपना हाथ उन पर रखा और अपनी लाइन कह दी। वो अचानक से रुक गई और बोली, हे भगवान, इसे तो नर्वस होना चाहिए, इसका आत्मविश्वास देखो। उस समय मेकर्स ने बताया था कि शेखर ने पूरे दिन एक तकिया संग रोमांस करने की प्रैक्टिस की थी। इसके बाद ही वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ रेखा के साथ बोल्ड सीन्स कर पाए थे। वैसे शेखर मानते हैं कि उन्हें जो भी झिझक रही थी वो सिर्फ पहले सीन तक ही रही, इसके बाद वो भी खासा सहज हो गए और रेखा ने प्रोफेशनल अंदाज में बिहेव किया। वहीं जब ये फिल्म रिलीज हुई तो रेखा संग शेखर की बोल्ड केमिस्ट्री ने लोगों के बीच सनसनी मचा दी। इसके बाद तो मानो शेखर बॉलीवुड में छा गए। उत्सव के बाद शेखर सुमन ने मानव हत्या, नाचे मयूरी, संसार, त्रिदेव, पति परमेश्वर, रणभूमि, चोर मचाए शोर, एक से बढ़कर एक और भूमि सहित बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया था। वहीं बड़े पर्दे पर अपने नाम का सिक्का जमाने के बाद शेखर सुमन ने छोटे पर्दे का रुख किया और दूरदर्शन के शो वह जनाब से अपने टीवी के सफर की शुरुआत की। इस शो से आते ही शेखर सुमन टीवी पर भी छा गए थे। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शो को दर्शकों का खूब प्यार मिला था, लेकिन शेखर सुमन को छोटे पर्दे पर असली पहचान अपने कॉमेडी सीरियल देख भाई देख से मिली थी। इस कॉमेडी सीरियल को दर्शकों का काफी प्यार मिला था। इसके बाद वो कॉमेडी शो लाफ्टर चैलेंज को कई सीजन तक जज करते दिखाई दिए थे। शेखर आज भी दर्शकों को अपने अंदाज से गुदगुदाते रहे हैं। वहीं शेखर सुमन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने मशहूर फिल्म निर्माता अलका से साल 1983 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम अध्ययन सुमन है। अध्ययन सुमन भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन अध्ययन बॉलीवुड में वो कमाल नहीं दिखा सके जो उनके पिता ने कर दिखाया था। अलका और शेखर सुमन का एक और बेटा था, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते उसका 11 साल की उम्र में निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।